गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर मैथ्स क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्या है, 3 raised to the power 0 प्लस 4 raised to the power -1 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2। तो आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि जिस भी बेस का पावर जो होगा, एक्सपोनेंट जो होगा, जीरो होगा, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 की जो पावर है वो 0 है, दैट्स वाई हम 3 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे ओनली। देन इसका पावर, 4 का पावर नेगेटिव है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4। अब 1 को एज अ पावर तो लिखते नहीं है, देन मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2 मीन्स 2 multiply 2। अब ये फ्रैक्शन है, इसे हमको सॉल्व करना, तो कैसे होगा, 1 plus 1/4। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। अब 1 के टेबल में 4 टाइम, 4 1 जा 4, देन प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम, 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आया, 5/4। तो अब हम यहां इसकी जगह क्या लेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, बचेगा क्या, हमारा आंसर क्या है, 5। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 raised to the power -1 मल्टीप्लाई 4 raised to the power -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power -2। तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम पॉजिटिव बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2, देन मल्टीप्लाई 1/4, देन डिवाइडेड 1/2 raised to the power 2। जब हम 1/2 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1 एंड 4 2 जा 8, देन डिवाइडेड यहां क्या हो जाएगा, 1/2 2 जा 4। अब यहां डिवाइड है बीच में, तो क्या हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/1। यहां चाहे तो आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तुम्हारा आंसर क्या आया, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, तो आंसर इज 1/2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एवेल्युएट 8 raised to the power -1 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 3 बाय 2 raised to the power -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/8। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, देन 5 raised to the power 3 एज इट इज बाय, अब 2 raised to the power -4 के भी पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 raised to the power 4। अब 1/8 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 3 बाय 1/2 raised to the power 4 इनके बीच में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होके 1/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 3 मीन्स 5 multiply 5 multiply 5, और इसका जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 raised to the power 4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 multiply 5 multiply 5 देन 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 एंड बाय 8। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है एंड 8 से डिवाइड करना है, सो व्हाट वी गेट, 250। इसी तरीके से सेकंड वन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m रेज टू द पावर सॉरी 5 raised to the power m डिवाइडेड 5 raised to the power -3 इज इक्वल टू 5 raised to the power 5। हमें यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड करनी है, सो हम क्या करेंगे, 5 raised to the power m एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड इसके पावर को हम पॉजिटिव बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/5 raised to the power 3 इज इक्वल टू 5 raised to the power 5। अब यहां बीच में डिवाइड है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 5 raised to the power m मल्टीप्लाई 5 raised to the power 3। अब यहां डिवाइड है, दैट्स वाई ये ऊपर चला गया है, सो इज इक्वल टू 5 raised to the power 5।
अब यहां बेस सेम हो गए हैं, सो पावर्स के बीच में क्या होगा, प्लस होगा. सो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5. अब ये दोनों कट जाएंगे, बेस सेम है, क्या बचेगा, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5. देन m इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, 5 माइनस 3. सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, और बाकी जो कराए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है. हैव अ नाइस डे.